चैप्टर 11 श्लोक 14 से 18 भगवान का विश्व रूप। जब श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं तब उस रूप को रोम रोम में महसूस करते हुए सिर झुकाकर हाथों को सादर जोड़कर प्रणाम करते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे देव, आपके शरीर में सभी देवों, प्राणियों, ब्रह्मा, विष्णु, कमल पर विराजमान विष्णु और सभी ऋषियों और दिव्यों सर्पों को मैं देख रहा था। हे भगवान, आपके अनेक बाहें, पटों, मुखों और आंखों वाले सब ओर से अत्यंत रूप वालों को मैं देख रहा था। आपके आदि, मध्यम और अंत दिखाई नहीं दे रहे थे। आपको मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए आपके आभा मंडल को चारों ओर से प्रकाशित करते हुए तेज के पुंज, अग्नि और सूर्य से प्रकाशित चकाचौंध करने वाले तेज की जिसका निरीक्षण कर पाना भी संभव नहीं है, सब ओर से बिना द्वंद वाले रूपों को देख रहा हूँ। आपका ये अद्भुत रूप तीनों लोकों में नजर आ रहा है। उसमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपको नमन कर रहे हैं और कुछ लोग गुणगान करके आपका कीर्तन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आप परम नाश रहित, परम जानने योग्य, विषभ के परम आश्रय, अतंत और शाश्वत धर्म को देने वाले सनातन पुरुष हैं। इसका सार है कि जब श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और उस विराट रूप में वे सभी प्राणी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी सब विराजमान होते हैं, तो उस वक़्त तीनों लोक में उनके गुणगान होने लग जाता है और हर तरह से एक ही आवाज़ आने लग जाती है, कल्याण हो, कल्याण हो, मंगल हो, मंगल हो।